जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, आज हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लास्ट चैप्टर का डिस्कस करना है ह्यूमन हार्ट के बारे में, कि ह्यूमन हार्ट कहाँ पे लोकेटेड है, क्या इसका फंक्शन है और कितने चैम्बर हैं और कैसे ये ब्लड ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी में फ्लो करता है, कहाँ से रिसीव करते हैं, कहाँ को कौन से चैम्बर जो हैं उसके होल पार्ट ऑफ बॉडी में ब्लड को भेजते हैं, डीऑक्सीजनेटेड क्या है, ऑक्सीजनेटेड क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें हार्ट की, हार्ट एक क्या है, मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है, और इसका स्पेसिफिक फंक्शन क्या है, हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन, ये एक मस्कुलर ऑर्गन है जिसका फंक्शन क्या है, पम्पिंग ऑफ ब्लड, पम्पिंग ऑफ ब्लड इसका क्या है फंक्शन है, कि इसने ब्लड को क्या करना है, पंप करना है। ठीक है, अब किस तरह पंप करता है, बाय रिपीटिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, के कॉन्ट्रैक्ट होता है रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है रिलैक्स, जिसे हम कहते हैं हार्ट बीट। ठीक है, कि मतलब एक हार्ट बीट में उसने कितना ब्लड फ्लो करना है, कितना ब्लड रिसीव करना है और कितना ब्लड अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी में क्या करना है, इसने फ्लो करना है। तो अगर हम बात करें ब्लड की, ब्लड हार्ट की, सॉरी हार्ट की बात करें, तो हार्ट के लिए एक स्पेसिफिक वर्ड आता है जिसे हम कहते हैं कार्डिक, हार्ट के लिए एक स्पेसिफिक वर्ड यूज़ होता है कार्डिक। अब हार्ट जो है वो कार्डिक मसल से मिलके बना हुआ है, कार्डिक मसल्स क्या है, इलोंगेटेड होते हैं, स्ट्राइएटेड सेल होते हैं और इनके अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, हर सेल के अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है। तो जो कार्डिक मसल से मिलके बने हुए हैं, कार्डिक मसल्स किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये सिर्फ हार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और बल्क ऑफ वॉल्स ऑफ हार्ट चैम्बर्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, कार्डिक मसल प्रेजेंट होते हैं। अब एक ह्यूमन बॉडी की बात करें कि ह्यूमन बॉडी के अंदर की हार्ट किस जगह पे प्रेजेंट होता है, हार्ट क्या चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होता है, ब्रेस्ट बोन के नीचे होता है और लेफ्ट साइड पे होता है, लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट कैविटी एंड बिलो द ब्रेस्ट बोन, के ब्रेस्ट बोन के क्या होते हैं, नीचे होते हैं, एंड बिटवीन द लंग्स, बिटवीन द लंग्स एंड द चेस्ट कैविटी बिलो द ब्रेस्ट बोन, ये इसकी क्या है, इसकी लोकेशन है हार्ट की। अब अगर हार्ट की हम बात करें तो हार्ट के टोटल 4 चैम्बर हैं। ठीक है, तो हार्ट के कितने चैम्बर हैं, 4 चैम्बर हैं, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल, तो मतलब जो ऊपर वाले चैम्बर होंगे उन्हें हम एट्रियम कहते हैं और नीचे वालों को हम क्या कहते हैं, वेंट्रिकल कहते हैं। एक होती है राइट साइड और एक होती है लेफ्ट साइड। ठीक है, अब राइट साइड में अपर राइट एट्रियम आ गया और राइट वेंट्रिकल आ गया, लेफ्ट साइड में लेफ्ट एट्रियम आ गया और लेफ्ट क्या आ गया, वेंट्रिकल आ गया। इस तरह इसके 4 चैम्बर होते हैं, लेफ्ट राइट एट्रिया और वेंट्रिकल, राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट में लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल, तो टोटल 4 चैम्बर। अगर ऊपर देखें तो एट्रियम होते हैं, नीचे क्या होते हैं, वेंट्रिकल होते हैं। अब जो इसका लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होता है, वो लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल वो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है और उसने क्या करना होता है, ब्लड पंप करना होता है थ्रू आउट द बॉडी, बॉडी को पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो करना। इसी तरह हम इसी लिए हम कह देते हैं कि जो लेफ्ट साइड पे क्या होते हैं, हमें हार्ट बीट फील होती है, कि लेफ्ट साइड पे अगर हम थोरैक्स कैविटी के लेफ्ट साइड पे देखें तो वहाँ पे हमें फील होती है हार्ट बीट, क्यों, क्योंकि वहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल पंप होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है और टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी में क्या करता है, वो ब्लड फ्लो करता है। अच्छा, ये तो होगी उसकी लोकेशन, उसके फंक्शन, उसके पार्ट्स चैम्बर। अब ब्लड हार्ट का बेसिकली फंक्शन होता है डबल पंप, जो ह्यूमन हार्ट है उसका फंक्शन है डबल पंप, के मतलब डबल पंप कैसे करता है, एक दफ़ा रिसीव करता है और फिर एक दफ़ा क्या करता है, वो टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी में ब्लड भेजता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि जो हार्ट का बेसिक फंक्शन है पंपिंग ऑफ ब्लड, जिसे हम डबल पंपिंग कहते हैं, वो कैसे रिसीव करता है, कहाँ से ऑक्सीजन ब्लड आता है, कैसे डीऑक्सीजनेटेड जाता है, एंड सारा सिनेरियो कैन आई डिस्कस अबाउट इट। जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, आज हमने डिस्कस करना है ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट के बारे में। तो सबसे पहले इसके मैं जनरल आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि ह्यूमन हार्ट क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है जिसका फंक्शन होता है पंपिंग ऑफ ब्लड, के ब्लड को पंप करना टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। ठीक है, अब हार्ट के जो चैम्बर्स हैं उनके अंदर वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स होती हैं, जो एक मसल से बनी होती है, बंडल ऑफ मसल से बनी होती हैं, और हार्ट के लिए जो स्पेसिफाई मसल्स का वर्ड हम यूज़ करते हैं वो हम कहते हैं कार्डिक वर्ड। जो कार्डिक वर्ड है वो हार्ट से रिलेटेड होता है, तो इसका मतलब हार्ट के अंदर कौन से मसल्स होंगे, कार्डिक मसल्स होंगे। अभी कार्डिक मसल्स का क्या होता है, इलोंगेटेड होते हैं, स्ट्राइएटेड होते हैं और हर एक सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ये तो होगी कार्डिक मसल्स की बात होती होगी, कि कार्डिक मसल्स किस में प्रेजेंट होते हैं, हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। हार्ट कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हार्ट चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होता है, बिलो द ब्रेस्ट बोन एंड बिटवीन द लंग्स, लंग्स के दरमियान, बिलो द ब्रेस्ट बोन और चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होता है, कि लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में थोड़ा लेफ्ट साइड पर टिल्ड हुआ होता है एंड बिटवीन द लंग्स होता है। अच्छा, अब
हार्ट की बात करें तो हार्ट के जो इर्द गिर्द एक प्लूरल मेम्ब्रेन है जो कि हार्ट को प्रिवेंट करती है फ्रिक्शन से, ठीक है। ये मैंने हार्ट की डायग्राम बनाई है, इसके इर्द गिर्द सारी क्या है, प्लूरल मेम्ब्रेन है। जितने भी ह्यूमन बॉडी के अंदर ऑर्गन्स होते हैं, हार्ट हो गया, किडनी होगी, लंग्स होंगे, इन सब के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन्स होती हैं, ठीक है। और जो हार्ट के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। हार्ट के इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन होती है उसे हम कहते हैं पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन कहते हैं। ये मेम्ब्रेन किसके दरमियान होती है, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन और जो हार्ट की जो वॉल होती है उसके दरमियान में वॉल होती है, ये होती है वॉल होती है, और इन दोनों के दरमियान में एक पेरिकार्डियम फ्लूइड होता है, एक फ्लूइड होता है। वो फ्लूइड क्या करता है, वो फ्लूइड जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, दैट फ्लूइड प्रिवेंट द फ्रिक्शन, के फ्रिक्शन होने से बचाता है। ये फ्लूड क्या करता है, हार्ट की प्रोटेक्शन करता है ताकि कोई भी हार्ट के ऊपर साइड से कोई जोर लगे या वजन बढ़े तो उसे क्या करे, प्रोटेक्ट कर सके हार्ट को। और जब कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है तो अवॉइड फ्रिक्शन को प्रिवेंट करने के लिए ये फ्लूड जो है प्रेजेंट होता है, कि मतलब हार्ट किसके दरमियान प्रेजेंट होता है, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन्स के अंदर हार्ट प्रेजेंट होता है, और इसके जो दरमियान में फ्लूड होता है उसे हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम फ्लूड कहते हैं। अच्छा, अब उसके बाद आते हैं हार्ट के। हार्ट के होते हैं फोर चैम्बर, एट्रियम और वेंट्रिकुलर। अब ये हार्ट की डायग्राम बनी है, अब इसको मैं आपको लेबल करना शुरू करूँ तो ये आपके हार्ट की राइट साइड है और ये क्या है, लेफ्ट साइड है। अब हार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है पंपिंग ऑफ ब्लड, के उसने ब्लड को क्या करना होता है, पंप करना होता है। इसीलिए ह्यूमन स्पेशली ह्यूमन बींग्स के हार्ट को हम कहते हैं कि हार्ट इज़ वर्क एज अ डबल पंप, कि जो ह्यूमन बींग का हार्ट है वो डबल पंपिंग के तौर पे काम करता है, डबल पंप करता है, कि मतलब दो दफ़ा पंप करता है। कैसे पंप करता है, एक दफ़ा ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है फ्रॉम बॉडी, और उसी सेकेंड में उसी लम्हे में ये क्या करता है, लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करके टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड करता है। बॉडी से डी ऑक्सीजनेटेड रिसीव करता है हार्ट, और लंग से ऑक्सीजनेटेड रिसीव के आगे बॉडी में पहुंचाता है, तो इसीलिए इसका फंक्शन हो जाता है डबल पंपिंग का। अब वो कैसे फंक्शन होता है, क्या करता है, वो सारे अब हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें हार्ट की चैम्बर की, कि हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं, तो ये राइट साइड है हार्ट की और ये क्या है, लेफ्ट साइड है। अब जो राइट साइड होगी उन सबको हम राइट साइड पर लेबल करेंगे, और जो लेफ्ट साइड होगी उसे हम लेफ्ट साइड पर करेंगे। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये हार्ट के 1, 2, 3 एंड 4 ये चार चैम्बर्स हैं। तो जो ऊपर वाले चैम्बर होते हैं उन्हें हम कहते हैं एट्रिया, सिंगल हो तो उसे हम कहते हैं एट्रियम। अब चूंकि ये राइट साइड पे है तो इसे हम कह देंगे राइट एट्रिया, और सिंगुलर हो तो उसे हम कहते हैं राइट एट्रियम, सिंगुलर हो तो एट्रियम कहते हैं, दो हो तो एट्रिया कह देते हैं। अब इसी तरह जो लेफ्ट साइड पे है इसे हम कहेंगे लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। तो ऊपर वाले चैम्बर को हम क्या कह देते हैं, एट्रिया, ठीक है। अब ये जो नीचे वाले चैम्बर हैं इनको हम नाम देते हैं वेंट्रिकुलर, ठीक है। अब ये राइट साइड पे है तो इसे हम कह देंगे राइट वेंट्रिकुलर या राइट वेंट्रिकल, और ये लेफ्ट साइड पे है तो हम इसे कह देंगे कि लेफ्ट वेंट्रिकल है। ये तो हो गए हार्ट के चैम्बर, के एट्रिया है ऊपर और वेंट्रिकल है नीचे। अब राइट साइड पे अगर देखा जाए तो राइट साइड में एट्रियम और वेंट्रिकल के वेंट्रिकुलर, ये जो राइट एट्रियम है और राइट वेंट्रिकल है, इनके दरमियान में ये वेल्व्स लगे हुए हैं, ब्लड वेसल्स के बने होते हैं वेल्व्स, ठीक है। ये लगे होते हैं राइट साइड पे भी हैं और लेफ्ट साइड पे भी हैं। इनको हम कह देते हैं कि ये क्या है, ट्राइकस्पिड वेल्व है। राइट साइड पे होंगे तो इसे हम कह देंगे ट्राइकस्पिड वेल्व है, यही लेफ्ट साइड पे लगे हुए हैं तो इन्हें हम कह देते हैं बाइकस्पिड। ये क्या है, बायकस्पिड है। अब इनका फंक्शन मैं आपको अभी बता देती हूँ, इनका फंक्शन क्या होता है, जो ट्राइकस्पिड वेल्व है और बायकस्पिड वेल्व है इनका फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन ये होता है कि जब ब्लड पंप करके एट्रिया से वेंट्रिकल में आता है तो ये वेल्व्स क्या होते हैं, जब पंप करके ब्लड आगे आ जाता है तो ये वेल्व क्लोज हो जाते हैं टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल टू द एट्रियम। ये क्या करते हैं, ब्लड के बैक फ्लो को रोकते हैं वेंट्रिकल से एट्रियम में, ठीक है। कि ब्लड जब एक दफ़ा ऊपर से नीचे आ गया है तो वेल्व्स क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। क्लोज हो जाते हैं, क्यों क्लोज हो जाते हैं, इनका यहाँ पे होने का पर्पज़ क्या, इनका पर्पज़ ये है कि जब एक दफ़ा ब्लड वेंट्रिकल में आ गया है, लोअर पार्ट में आ गया है, तो ये दोबारा पीछे बैक फ्लो ब्लड का ना हो, इसलिए ये इनका ये
फंक्शन है यहाँ पे। अब राइट साइड पे ट्राई कस्पिड वेल्व है और लेफ्ट साइड पे बाय कस्पिड वेल्व है। अभी ट्राई और बाय का क्या मतलब है? ट्राई कस्पिड वेल्व हमने नाम इसलिए दिया क्योंकि इसमें थ्री लेयर्स ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है, जबकि बाय कस्पिड वेल्व का नाम हमने इसलिए दिया क्योंकि उसमें टू लेयर्स ऑफ सेल होते हैं। तो ट्राई कस्पिड वेल्व और बाय कस्पिड वेल्व बेसिकली हमने नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ सेल पर डिवाइड किया है कि ट्राई कस्पिड वेल्व में थ्री लेयर्स ऑफ सेल्स होते हैं, बाय कस्पिड वेल्व में टू होती हैं, इसलिए हमने ट्राई और बाय दे दिया। राइट साइड पर ट्राई होते हैं, क्या करते हैं वेल्व्स का फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन ये होता है कि दे प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल्स टू द एट्रियम, कि ये वेंट्रिकल से एट्रियम में प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो ऑफ ब्लड के, ब्लड पीछे ना जाए, इसलिए इनका फंक्शन होता है। अच्छा, अब ये तो होगी हार्ट की चैम्बर्स हो गए। अब हम बात करते हैं कि ब्लड हार्ट में आता कैसे है। जो राइट साइड में सबसे पहले राइट साइड जो सी है ना, आप याद रख लें कि राइट साइड में हमेशा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और लेफ्ट साइड में कौन सा होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या मतलब है? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होता है जिसमें ऑक्सीजन की मिकदार कम होती है, लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, किसमें ऑक्सीजन जो है वो कम होगी। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या मतलब है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है कि इसमें ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा होती है। डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड दैट ब्लड विद लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज़ दैट अमाउंट ऑफ ब्लड इन विच द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज लार्ज, कि मतलब उसमें हाई होती है। तो ये हो गया डी ऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड। जो राइट साइड ऑफ ब्लड है उसमें होता है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट है उसमें कौन से होते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब राइट साइड में डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है? जो राइट साइड ऑफ द हार्ट है वो पूरी बॉडी से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करके राइट एट्रियम में लाती है। किसके थ्रू लाती है? ये दो वेन्स हैं, ऊपर वाले को हम कहते हैं सुपीरियर वेना केवा, और नीचे वाली जो सी है वो है इन्फीरियर वेना केवा। अब ये सुपीरियर वेना केवा क्या है और इन्फीरियर वेना केवा क्या है? जो सुपीरियर वेना केवा है वो अपर पार्ट्स ऑफ बॉडी, जैसे कि ब्रेन हो गया, हैंड्स, अपर लिम्ब्स हो गए, नेक हो गई, यहाँ पे जितने भी ब्लड सप्लाई है वो सारी कौन कलेक्ट करेगा? सुपीरियर वेना केवा वहाँ से कलेक्ट करेगी। और लोअर लिम्ब्स हो गए, थाइज हो गई, फीट हो गए, जितने भी लोअर बॉडी पार्ट्स हैं वहाँ से कौन करता है? इन्फीरियर वेना केवा। इन्फीरियर वेना केवा एंड सुपीरियर वेना केवा क्या करते हैं? इन दोनों का ये फंक्शन है कि दे कलेक्ट द डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ बॉडी, के सारे बॉडी के पार्ट से ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती है एंड राइट एट्रियम के में अंदर ले आती है। यहाँ से ब्लड आता है डी ऑक्सीजनेटेड और राइट एट्रियम के अंदर आ जाता है। तो राइट एट्रियम रिसीव ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ बॉडी थ्रू सुपीरियर वेना केवा एंड इन्फीरियर वेना केवा। राइट एट्रियम रिसीव डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये यहाँ हमेशा याद रखना है, क्योंकि राइट एट्रियम में डी ऑक्सीजनेटेड होते हैं जबकि लेफ्ट एट्रियम में कौन सा होता है? ऑक्सीजनेटेड होता है। ये आपको MCQs भी पूछा जा सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो ये आपने बात ध्यान से याद रखनी है। राइट एट्रियम रिसीव डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ बॉडी थ्रू सुपीरियर वेना केवा एंड इन्फीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा क्या है? सुपीरियर वेना केवा अपर पार्ट्स ऑफ बॉडी से ब्लड कलेक्ट करके लाते हैं और इन्फीरियर वेना केवा लोअर पार्ट्स ऑफ बॉडी से ब्लड कलेक्ट करके लाते हैं और राइट एट्रियम में ला के फ्लो कर देते हैं। अब राइट एट्रियम में आ गया डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब ये यहाँ से राइट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करके वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में पुश कर देगा, ठीक है। जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड राइट वेंट्रिकल में फ्लो कर देगा। यहाँ पे ट्राई कस्पिड वेल्व का फंक्शन होगा, दे एट दिस मोमेंट दे प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल टू एट्रियम, ये यहाँ से रोकेंगे वेंट्रिकल से ब्लड पीछे ना जाए, इसलिए ये जो ट्राई कस्पिड वेल्व है वो यहाँ पे क्लोज हो जाएंगे, इसलिए मैंने इसका पहले ही आपको फंक्शन बता दिया था, ठीक है। ये बात हो गई यहाँ से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, कि डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया राइट एट्रियम से, राइट वेंट्रिकल में पुश हुआ थ्रू ट्राई कस्पिड वेल्व। अब यहाँ से क्या होगा कि राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करके राइट वेंट्रिकल से ही ये आर्क जा रही है जिसे हम कहते हैं पल्मोनरी ट्रंक, जिसको हम नाम देते हैं पल्मोनरी ट्रंक। ये है पल्मोनरी ट्रंक। अब जो ब्लड लेके जाती है उसे हम कहते हैं आर्टरीज, ठीक है। जो ब्लड हार्ट से दूर लेके जाती है, जो आर्टरीज जो भी होती हैं, जो ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती है उन्हें हम कहते हैं आर्टरी, ठीक है। अब
जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड करेगा पर्मनरी ट्रंक में, यहाँ पे कौन सी होती है, पर्मनरी आर्टरी होती है। पर्मनरी आर्टरी क्या करती है, यहाँ से ब्लड करती है और ये ब्लड जाता है लंग्स में, ठीक है। कि राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है लंग्स में, ये आपने बात हमेशा याद रखनी। क्यों जाता है ब्लड लंग्स में यहाँ से, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लंग्स में जाकर ये प्यूरीफाई होता है, फिल्टर होता है, वहाँ पे जाकर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनता है। इसीलिए जो राइट वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और पर्मनरी ट्रंक के थ्रू, पर्मनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड राइट वेंट्रिकल से लंग्स में चला जाता है ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। सिमिलरली यहाँ पे भी ये पर्मनरी ट्रंक के ऊपर ये सेमिल्यूनर वेब्स लगे हुए हैं, जिस तरह ट्राइकस्पिड वेब्स लगे हुए थे आर्टरी और वेंट्रिकल के दरमियान, इसी तरह पर्मनरी ट्रंक में भी ये लगे हुए हैं सेमिल्यूनर वेल्व। सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा से जब ब्लड कलेक्ट होकर राइट एट्रियम में आता है, ठीक है, राइट एट्रियम रिसीव डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ बॉडी विया सुपीरियर वेना केवा एंड इन्फीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा अपर पार्ट ऑफ बॉडी से ब्लड कलेक्ट करती है और इन्फीरियर वेना केवा लोअर पार्ट्स ऑफ बॉडी से ब्लड कलेक्ट करके राइट एटीएम में लेके आते हैं। राइट एटीएम ब्लड को क्या उसका नाम, राइट एटीएम कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड को फ्लो करता है फ्रॉम टू द राइट वेंट्रिकल, ठीक है। अब राइट एट्रियम से जब राइट वेंट्रिकल में ब्लड आता है तो इसके दरमियान में ट्राइकस्पिड वेल्व लगे होते हैं, जो कि उनका फंक्शन क्या होता है, टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू द राइट एट्रियम। कि जब एक दफ़ा वेंट्रिकल में ब्लड आ गया तो पीछे एट्रियम की तरफ ना जाए, तो ये ट्राइकस्पिड वेल्व का ये फंक्शन होता है, इसलिए ट्राइकस्पिड वेल्व लगे होते हैं। अब जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करके सारा ब्लड एक ही कॉन्ट्रैक्शन में क्या करता है, परमानेंट ट्रंक को दे देता है, ठीक है। ये परमानेंट ट्रंक कहाँ पे जाती है, ये लंग्स की तरफ जाती है थ्रू परमानेंट वेन, ठीक है। ये परमानेंट ट्रंक एक पूरा ऑर्गन का नाम है, जो भी पूरा एरिया का नाम है, और उसके अंदर क्या होती है, परमानेंट आर्टरी होती है, जो कि ब्लड कहाँ से वो क्या करती है, उसके अंदर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वो लंग्स की तरफ लेके जाती है, ठीक है। तो परमानेंट ट्रंक पे से लंग कहाँ पे चला गया, लंग्स में। कि राइट वेंट्रिकल से लंग्स में ब्लड जाता है और ये कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कि राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो पर्मनरी आर्टरी के थ्रू परमानेंट ट्रंक से ब्लड कहाँ पे जाता है, लंग्स की तरफ जाता है, और ये कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और लंग्स की तरफ क्यों जाता है, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड होने के लिए लंग्स की तरफ जाता है। वहाँ पे लंग्स में ब्लड फिल्टर होता है, ये लेस ऑक्सीजन वाला ब्लड कन्वर्ट हो जाता है विद मोर ऑक्सीजन ब्लड, ठीक है। तो वहाँ से अब लंग्स में आ गया, लंग्स में चला गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब लंग्स से ब्लड फिल्टर होके किसके थ्रू आता है, यहाँ पे ये हैं पल्मोनरी वेन, इन्हें हम कहते हैं पल्मोनरी वेन। अब जब लंग्स से ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया तो लंग्स से पल्मोनरी वेन्स के थ्रू क्या होता है, ब्लड आता है लेफ्ट एट्रिया में। ब्लड किस में आ गया, यहाँ से एरो लगे, यहाँ से ब्लड किस में आता है, लेफ्ट एट्रिया में आता है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर आता है, ठीक है। राइट एट्रियम में कौन सा था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जो लेफ्ट एट्रियम में आया वो कौन सा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये कहाँ से आया, लंग्स से आया, किसके थ्रू आया, पर्मनरी वेन के थ्रू आया, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू विया पर्मनरी वेन, पर्मनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है फ्रॉम द लंग्स, लंग से। अब ये लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को पुश करता है टूवर्ड्स द लेफ्ट एट्रियम की तरफ। सिमिलर जिस तरह राइट एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान में ट्राइकस्पिड वेल्व थे, इसी तरह लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में बायकस्पिड वेल्व है, ठीक है। अब बायकस्पिड वेल्व का भी सेम यही फंक्शन होता है, इनका फंक्शन क्या होता है, टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, कि जो बैक फ्लो है, पीछे जाने वाला फ्लो है ब्लड का, उसको रोकता है कि वेंट्रिकल से पीछे एट्रिया में ना जाए। तो यहाँ पे ये बायकस्पिड वेल्व का फंक्शन है। अब राइट साइड पे भी हैं और लेफ्ट साइड पे भी वेल्व्स लगे हैं, एक का नाम ट्राई है, एक का नाम बाय है। अब ये ट्राइकस्पिड वेल्व और बायकस्पिड वेल्व किस बेस पे दिए गए हैं, ट्राइकस्पिड वेल्व का मतलब होता है किसके अंदर थ्री लेयर्स ऑफ सेल होती हैं, बायकस्पिड वेल्व का मतलब है कि टू लेयर्स ऑफ सेल होती हैं, कि नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ सेल की बेस पे इनकी क्या की गई है, इनको नाम दिए गए हैं। अच्छा, अब आ गया बात लेफ्ट वेंट्रिकल की। अब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करके, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड को पहुंचा देता है एओर्टा में, दिस इज कॉल्ड एओर्टा।
अब इस aorta के थ्रू डिफरेंट ब्रांचेस निकलती हैं, डिफरेंट वेन्स निकलती हैं जो कि ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी में ब्लड सप्लाई करती हैं एक्सेप्ट लंग्स. इज दैट क्लियर? कि जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड जाता है aorta में और aorta के आगे ब्रांचेस निकलती हैं जो ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी में ब्लड को सप्लाई करती हैं वेयर सुपीरियर वेना केवा वेन्स या इन्फीरियर वेना केवा वेव एक्सेप्ट लंग्स. लंग्स के सिवाय, लंग्स के अलावा बाकी सारी जगह पे सप्लाई किसकी होती है, बाकी सारी जगह पे aorta क्या करता है, ब्लड की सप्लाई करता है एक्सेप्ट लंग्स. क्यों लंग्स में क्यों नहीं होती? क्योंकि लंग्स में कौन लेके जाता है? पर्मनरी आर्टरी लेके जाती है और वो कौन सा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. इज दैट क्लियर? तो ये इस वजह से नाम दिया गया है कि जो हार्ट है वो डबल पम्पिंग करता है. एक बात यहाँ पे बता दूँ, जिस तरह यहाँ पे पर्मनरी आर्टरी में ये वेल्व्स लगे थे सेमिलिनर वन, इसी तरह ये aorta में भी जस्ट लाइक दिस सेमिलिनर वेल्व लगे हुए हैं. इन वेल्व्स का भी क्या फंक्शन होता है? टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड. जहाँ पे भी हार्ट के अंदर जहाँ पे भी आपको ये वेल्व्स नज़र आएंगे, इन सब का फंक्शन क्या होता है? टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, कि ब्लड के बैक फ्लो को रोकते हैं कि ब्लड पीछे पंप दोबारा ना करे, आगे को फॉरवर्ड हो. तो इस सब को क्या करते हैं कि हार्ट डबल पम्प करते हैं. हार्ट एकदम कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिस तरह जिस टाइम में राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड लंग्स में जाता है, उसी टाइम में लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड बाकी ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी में ट्रांसफ़र करता है थ्रू aorta. तो इस डबल पंपिंग को, इस डबल पंपिंग के फंक्शन को हम कहते हैं कि हार्ट वर्क एज अ डबल पम्प. कि ये डबल पम्पिंग है, इसका फंक्शन क्या है? डबल पम्प करना है अब ब्लड को, पंप करना. अब यहाँ पे बात को मैं अपने कंक्लूड करूँगी, एक दफ़ा दोबारा ओवरव्यू दे लूँ कि राइट एट्रियम रिसीव करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ बॉडी थ्रू सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा. राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आता है थ्रू ट्राइकस्पिड वेल्व. राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करके थ्रू पर्मनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड कहाँ पे जाता है? लंग्स में जाता है डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट होने के लिए. फिर उसके बाद क्या होता है? लंग्स आता है पर्मनरी ब्लड आता है पर्मनरी वेंस के थ्रू फ्रॉम द लंग्स और ये आता है लेफ्ट एट्रियम में. लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करके लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड को फ्लो करती है. लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करके aorta में ब्लड को की सप्लाई करता है और aorta से आगे ब्रांचेस निकलती हैं जो कि ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी में ब्लड को सप्लाई करती है एक्सेप्ट लंग्स, लंग्स के अलावा. एक और बात आपने याद रखनी है, आर्टरीज के अंदर हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. आर्टरीज के अंदर हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी. उसके अंदर सिर्फ कौन सा होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, क्योंकि उसने क्या करता होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल से लेके लंग्स में लेके जाते हैं. ये बात आपने हमेशा याद रखनी है. ऑल आर्टरीज हैव ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी. इसी तरह ऑल वेन्स हैव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पर्मनरी वेन, क्योंकि पर्मनरी वेन्स में कौन सा होता है? ऑक्सीजनेटेड होता है. बाकी बॉडी के जितनी भी वेन्स हैं उन सब में कौन सा होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एक्सेप्ट पर्मनरी वेन्स, क्योंकि पर्मनरी वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड होता है. इसी तरह बाकी सारी आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एक्सेप्ट पर्मनरी आर्टरी, और पर्मनरी आर्टरी में कौन सा होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो दिस इज अबाउट द ह्यूमन हार्ट, कि किस तरह ब्लड किस तरह हार्ट एकदम पंप करता है और एक पंप करने में एक लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है लंग्स में और राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है लंग्स में और लेफ्ट वेंट्रिकल से जाता है टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी. तो दिस ऑल अबाउट ऑफ ह्यूमन हार्ट.